रस्से ढीले हो गए भाई। और ये है भाई टिम होटल। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? तो भाई अब की बार अपना ये वीडियो बनाने का एक ही मकसद है कि काफ़ी सारे हमारे ड्राइवर भाइयों को जो दिल्ली और बॉम्बे वाला एक्सप्रेस वे ना वो चालू हो गया है, उसका पता नहीं है भाई कि कहाँ से चढ़ना है कहाँ पे उतरना है। तो भाई हम अभी फिलहाल है भरूच, तो भरूच जो नदी वाला ब्रिज है ना भाई वो हमने पार कर दिया है। उसके बाद एक ब्रिज और पार किया है भाई, दूसरे ब्रिज के नीचे से गाड़ी ले लिया हमने। और आप सबको भाई पता ही है वैसे तो जो दहेज वाला रोड है ना उसके ऊपर चलना है आपको, और उस पर कितना चलना है वो हम बता देंगे भाई। और दहेज वाले रोड का तो भाई आप सबको पता ही है, वैसे उन्हीं ड्राइवरों को पता नहीं है जो इस साइड कम आते हैं। और बाकी कहाँ पे घूमना है आपको, दहेज वाले रोड पे कितना चलना है और कौन सा टोल आपका लगेगा, कहाँ पे उतरना है, वो भाई हम इसी एक वीडियो में ही दिखा देंगे सब कुछ। पीछे हमने वीडियो डाली हुई है भाई। और अब की बार हम भाई क्या करेंगे, अब की बार हम रेस्ट एरिया वही दिखाएंगे जो हम ट्रक ड्राइवरों के काम आए भाई, क्योंकि हमें ज़्यादातर भाई पार्किंग की ज़रूरत होती है, पार्किंग हो, वॉशरूम हो और खाना मिल जाए, चाय वगैरह मिल जाए। ट्रक ड्राइवरों को ऐसी पार्किंग चाहिए होती है भाई, ऐसी भी है इस रोड पे, वो वैसी कोई दिक्कत नहीं है भाई, लेकिन आपको हम एक वीडियो में ही दिखा देंगे भाई सब कुछ, कहाँ से चढ़ेंगे कहाँ पे उतरेंगे, रेस्ट एरिया बने हुए हैं कहाँ पे, पार्किंग बनी हुई है, वो अभी इस सब दिखा देंगे भाई इस वीडियो में। ये आ गया भाई दहेज वाला रोड, यहाँ से घूमेंगे हम लेफ्ट। वैसे तो भाई दहेज वाले रोड का तो सबको पता ही है करीबन करीबन, लेकिन ये रोड दहेज वाला है ना भाई फिलहाल टूटा हुआ है बहुत ज़्यादा, तो इस पर थोड़ा आपको आराम से चलना है भाई। तो भाई वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात बता देता हूँ, अगर आपको दिल्ली बॉम्बे वाले एक्सप्रेसवे चढ़ना है भरूच से तो आप कोशिश यही रखना भाई कि ये रोड है ना जो सूरत ये दिल्ली और बॉम्बे वाले हाईवे से लेके एक्सप्रेसवे तक 15 से 16 किलोमीटर का, ये आप कोशिश यही रखना भाई कि नाइट में पार हो जाए, क्योंकि एक तो ये रोड बहुत ज़्यादा टूटा हुआ है और इस पर भाई ट्रैफिक इतना ज़्यादा हो जाता है दिन में, और इसका काम भी चल रहा है भाई, ब्रिज बन रहे हैं इसके ऊपर, तो इस रोड की आप कोशिश यही रखना कि नाइट में पार हो जाइए। और बाकी आगे आपको एक्सप्रेसवे चढ़ने के बाद रुकना कहाँ पे है वो हम बता देंगे भाई, एक बार एक्सप्रेसवे पे चढ़ जाते हैं वो भी दिखाएंगे आपको कि कहाँ पे रुकने के लिए जगह है वहाँ पे। भरूच वालों की हिम्मत की दाव देता हूँ भाई मैं, क्योंकि भाई ये रोड आज से नहीं करीबन इसको हो गया भाई 3 से 4 साल बनते हुए ब्रिज को, अभी तक भाई यहीं पे रुका हुआ है। अगर भरूच से हमारी कोई वीडियो देख रहा है तो भाई कमेंट करके बताना ये जो दहेज वाले रोड पे ब्रिज बन रहे हैं ये कितने साल हो गए भाई इनको बनते हुए और कितने साल से ये बंद पड़े हुए हैं। अभी तो भाई चलो बारिश का टाइम है, अभी तो बंद ही रहेंगे, क्योंकि अभी बारिश में रोड बनेंगे ना तो वो टूट जाएंगे। और अभी हमने पीछे जो भरूच वाला टोल है ना वहाँ पे हमने एक भाई को पूछ लिया था कि भैया रोड टूटा हुआ है यार आप टोल ले रहे हो फिर भी, बोला इतना तो टूट ही जाता है भैया, थोड़ा बहुत तो टूटा ही रहता है, इसके लिए हम टोल थोड़ी ना बंद कर देंगे। तो अगर ये भाई थोड़ा बहुत है तो ज़्यादा कब टूटता है फिर, ज़्यादा टूटा हुआ रोड पे, ज़्यादा टूटे हुए रोड पे तो फिर भाई गाड़ियाँ चल ही नहीं सकती होगी, क्योंकि ये थोड़ा बहुत टूटा हुआ है, बोल रहे थे थोड़ा बहुत टूट ही जाता है भैया बारिश में। हमने भी भाई फिर आगे कुछ नहीं बोला, हम फिर तब से सोच ही रहे हैं कि ये थोड़ा बहुत ये है फिर ज़्यादा कौन सा होता है भाई, ये इतना थोड़ा बहुत टूटा हुआ है कि देखो दोनों साइड जाम लगा हुआ है, इसको बोलते हैं कि थोड़ा बहुत रोड टूटा हुआ है। और भाई अपनी साइड तो फिर भी चल रही है, जो एक्सप्रेसवे की साइड से गाड़ी आती है ना उनकी तो भाई बहुत लंबी लाइन लगी हुई है,
यहाँ पे आके दिल टूटता है भाई, यहाँ पे आके दिल टूटता है। और एक बार छोटी गाड़ियों पे नजर मारो भाई, फॉर्च्यूनर, ब्रेजा, इनेवा, इंडिया के अंदर इतनी वीआईपी गाड़ियां है, क्योंकि एक साथ इतनी गाड़ियों को देख के दिल खुश हो जाता है। और जहां तक ट्रकों की बात है तो लाइन लगी हुई है उस साइड, और कुछ नहीं भाई। ट्रकों की तो यही बात है भाई, या तो जाम में फंसे रहो, अगर देश में कुछ हुआ तो ट्रकों का रोड बंद कर दो, और अगर उससे ज्यादा कुछ हुआ तो ट्रकों को जला दो। हम तो यही सब कुछ झेलने के लिए आए हुए हैं। अपनी साइड वाला जाम तो खुल गया भाई, लेकिन जो दहेज की साइड से गाड़ियाँ आती है ना, उनका जाम देखो। पीछे करने से पहले पीछे भी देख लो भैया जी। ये देखो भाई, लग गया भाई, जाम लग गया। देखो भाई, जाम देखो, जाम 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 जाम, बहुत तगड़ा जाम लगा हुआ है। और ये गाड़ी खराब है भाई, ऐसे ही रोड पे खड़ा करके नहीं बैठा है बेचारा, खराब हो गई है। भैया जी सर्विस तो लो। ये भरूच और दहेज वाला रोड है ना, इस पे रेड लाइटें लगी हुई है हर 100 मीटर पे, 200 मीटर पे। और करीबन से करीबन जो पुराने वाला हाईवे है ना, जो दिल्ली बॉम्बे वाला, वहाँ से लेके और अभी हमने करीबन करीबन पार कर दिया भरूच, तो यहाँ तक लाइटें लगी होगी करीबन 50। उसके अंदर भाई एक ही लाइट चल रही है सिर्फ ये, और यहाँ पे कोई कट नहीं है। जो लाइटें चल रही है ना, यहाँ पे कट भी नहीं है भाई, ये सिर्फ एक लाइट चल रही है, बाकी सब लाइटें बंद है। ये रेड लाइट किस लिए लगाई गई है भाई, ये देखो। चलो बोर्ड तो अच्छी बात है, डिस्प्ले लगा रखी है, उसके अंदर चलो चलता रहे, लेकिन यहाँ पे कट ही नहीं है, कोई यू टर्न नहीं है। यहाँ पे रेड लाइट लगी हुई है, ये चालू है, और बाकी जहाँ पे कट है, बिगाड़ियाँ घूम रही है, यू टर्न कर रही है, वहाँ पे रेड लाइटें बंद है। कर दिया है भरूच पार, और यहाँ पे देखोगे भाई तो आपको बोर्ड नज़र आएगा, बॉम्बे वडोदरा। लेकिन इससे आगे है भाई जो अपना रोड है ना, वो इससे काफ़ी आगे है। करीबन से करीबन भरूच पार करने के बाद भाई बोर्ड तो तुरंत ही लगा रखे हैं वहीं पर, लेकिन एक्सप्रेस वे आगे है शायद। ये रोड बन रहा है भाई, काम चालू होगा अभी इसका, क्योंकि रोड वाले लगे हुए हैं, वो कैमरा वैमरा लेके खड़े हुए हैं रोड पे। रोड पे मत जाओ भाई, रोड पे मत जाओ। आप हमारी बातों पे ध्यान रखो, रोड नहीं देखना है आपको, क्योंकि देश नहीं भाई, रोड पे ध्यान नहीं देना है आपको, रोड पे ध्यान नहीं देना है आपको, सिर्फ बातों पे ध्यान देना है। क्योंकि ऐसे गड्ढे देख के आप भी सोचने लग जाओगे भाई कि हो क्या रहा है, ये गाड़ी वाले चल कैसे रहे हैं इस रोड पे। तो हम ट्रक ड्राइवरों के किस्मत में भाई ऐसे रोड होते ही हैं। आदत ये आ गया भाई रेलवे ब्रिज, जैसे ही हम दहेज वाले रोड पे चलेंगे, भरूच पार करते ही 4 किलोमीटर आगे चलते ही रेलवे का ब्रिज आ जाएगा भाई। और जैसे ही रेलवे का ब्रिज पार करते ही सामने आपको एक्सप्रेस वे नज़र आ जाएगा, दिल्ली बॉम्बे वाला। लेकिन भाई आपको जो पुराने वाला रोड है ना, दिल्ली बॉम्बे हाईवे, वहाँ से लेके और यहाँ तक करीबन से करीबन 8 किलोमीटर है भाई। ये 8 किलोमीटर में ये रोड आपको टूटा हुआ मिलेगा भाई, बाकी रोड सही सलामत है भाई। लेकिन भाई ये कहीं कहीं पे तो इतना ज़्यादा टूटा हुआ है, पुराने वाले रोड से तो अच्छा है भाई, क्योंकि वो तो
बड़ोदरा तक पूरा का पूरा टूटा हुआ है। और यहाँ से अभी हम चढ़ेंगे एक्सप्रेसवे पे, और जहाँ तक ये एक्सप्रेसवे चालू होगा वहाँ पे जाके उतरेंगे भाई। चढ़ गए हैं भाई दिल्ली बॉम्बे वाले एक्सप्रेसवे पे, और अभी हम भरूच से चढ़े हैं भाई, क्योंकि ये रोड भरूच से ही चालू किया है अभी तक है। आगे देखेंगे भाई ये कहाँ तक चालू है। आपको भरूच वाला कट आएगा ना भाई, वहाँ पे आप देखोगे रोड बंद किया हुआ है भाई, इससे आगे ये रोड बंद है। और ये लगा हुआ भाई बोर्ड भरूच का, ये देखो भाई एक्सप्रेसवे का नज़ारा देखो आप एक बार, क्या बात है भाई। जैसे ही एक्सप्रेसवे पे गाड़ी चढ़ा भाई, चढ़ते ही आनंद आनंद हो गए। और टायर में लगा हुआ है भाई एक पत्थर, पहले वो निकालने की कोशिश करेंगे, क्योंकि भाई आवाज़ आ रही है टक 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 की। दिल्ली और बॉम्बे वाले एक्सप्रेसवे पे ये सामने जो एग्जिट नज़र आ रहा है ना आपको, ये है भाई भरूच वाला एग्जिट, वो सामने जो टोल नज़र आ रहा है ना, यहीं तक रोड चालू है भाई, ये इससे आगे चालू नहीं है। अगर आपको बॉम्बे जाना हो ना भाई तो भरूच से आपको नीचे उतरना है, और इससे आगे जाओगे ना भाई तो ये ब्रिज पार करते ही रोड बंद कर रखा है भाई। फिर आपको घूम के ऐसे दहेज वाले रोड पे जाना पड़ेगा, फिर आगे से यू टर्न करके आना पड़ेगा भाई। इससे अच्छा भरूच का जहाँ पे भी कट आए ना भाई, वहाँ पे आप नीचे उतर जाना, और एक बार हाईवे का नज़ारा देखो भाई। वहाँ पे सामने लगा हुआ है कैमरा भाई, और ये कैमरे भाई चालू कर दिए गए हैं, अहमदाबाद से लेके भरूच तक कैमरे चालू है भाई, ध्यान रखना। अगर आप डिवाइडर के पास वाली लाइन में चलोगे ना तो आपका चालान हो जाएगा, आवर स्पीड चलोगे तब भी आपका चालान हो जाएगा भाई। और यहाँ पे बना हुआ है भाई छोटा सा रेस्ट एरिया कि गाड़ियाँ खड़ी हो सके इस साइड में भाई। और ये खड़ी हुई है भाई अपनी गाड़ी, हाइट ज़्यादा नहीं है भाई, 11 फुट हाइट है गाड़ी के अंदर, लेकिन भाई जलने वालों की हद हो गई भाई। पता नहीं हमारे साथ जलन है भाई तो गाड़ी में से क्या निकाल रहा है भाई, अभी दिखाते हैं आपको। जलने वालों ये क्या किया तुमने, ये देखो भाई जलने वालों ने ये किया हमारे साथ, गाड़ी पे स्क्रैच कर दिया भाई। और अभी आप सोच रहे होगे कि किसी बच्चे ने कर दिया होगा भाई, तो बच्चा यहाँ तक नहीं पहुँच सकता है भाई, और बच्चा ऐसे लाइनिंग नहीं करेगा भाई, मान लो किसी पत्थर से कर देगा और कर देगा तो भाई ये तो पूरा पेचकस या फिर कोई लोहे की चीज़ से स्क्रैच किए हुए हैं भाई, और बाकी कोई पता नहीं है भाई, गाड़ी साफ करेंगे तब पता चलेगा कहाँ कहाँ पे किया हुआ है। अबे जलने वालों हद हो गई हद, अगर आपको कुछ जलन है तो भाई आमने सामने आओ ना तब पता चलेगा, अभी इस बेचारी ने क्या किया है आपका, इसने तो कुछ नहीं किया है, तो भाई ऐसे मत करो, जलने वालों सामने आओ। और भाई अब की बार हमने रेडियम करवा दी है फ्रंट वाले शीशे पे, देखो भाई पूरा गाड़ी तैयार करवा दिया है। अब की बार साइड वाले शीशे ब्लैक करवाएंगे, और भाई थोड़ा सा रेडियम का काम और है वो करवाएंगे, लेकिन भाई एक प्रॉब्लम और चल रही है, हेडलाइट नहीं मिल रही है भाई हेडलाइट। ये हेडलाइट भाई अपनी गाड़ी एक बार टूट गई थी कि हम सब्जी लोड करने के लिए गए हुए थे भाई, वहाँ पे गाय ने सींग मार दिया इसलिए भाई ये हेडलाइट टूट गई थी। और इससे ज़्यादा कुछ नज़र नहीं आता है भाई, ये सिर्फ हमने लगाई है शो के लिए कि सामने से गाड़ी चले ना, देखो भाई कितनी प्यारी लग रही है ना लाइटें नीचे वाली। इनका इतना ज़्यादा वो नहीं है भाई कि नज़र आ जाए कुछ रोड पे, हेडलाइट जलानी पड़ती है भाई, लेकिन ये क्या है थोड़ा दिखने में अच्छा लग रहा है भाई, इसलिए हमने ये चार लाइटें लगवा दी है नीचे। और अब की बार करवाना है भाई अपने को बम्पर चेंज करवाना है, ये बम्पर नया है भाई कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अपने को बम्पर वो लगवाना है भाई जो 12 टेरी के अंदर लगता है ना, वो बम्पर लगवाना है एक तो, और हेडलाइट लगवाना है, थोड़ा रेडियम का काम करवाना है भाई, कुछ नाम वगैरह लिखवाने हैं, और साइड वाले जो शीशे हैं ना वो भी हमें ब्लैक करवाने हैं भाई, बड़े वाले ये वाले और ऊपर वाले, और ये हमने ब्लैक करवा दिए भाई, देखो ये हमने उसी टाइम ब्लैक करवा दिए थे भाई जब ये आगे वाली रेडियम करवाई थी। ये बड़े वाले इसलिए नहीं करवाए थे भाई कि बारिश आ गया था, फिर ये सही से चिपकता नहीं रेडियम, इसलिए हमने मना कर दिया उसको। और हाईवे पे भाई नज़र मारो एक बार, कितना प्यारा लग रहा है भाई। तो ठीक है फ्रेंड्स, हम भी निकलते हैं भाई, और आगे कहीं रेस्ट एरिया पे रोकेंगे, वहाँ पे भाई कॉफ़ी वगैरह पियेंगे, फिर निकलेंगे वहाँ से
यहाँ पे तो वैसे ही रुक गए थे भाई, हम टायरों में कांकर फंसे हुए थे भाई, वो निकालने के लिए रुक गए थे। आवाज़ आ रही थी भाई ऐसे टक 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 की, फिर हमने सोचा यहाँ पे जगह है तो ये काम भी कर लिया जाए साथ साथ में। क्या बात है भाई, हाईवे अभी टाइम नहीं लगने वाला है भाई, 1 घंटे में 70 से 80 किलोमीटर सफ़र तय करेगी गाड़ी, और वो भी भाई 60-70 की स्पीड में, ज़्यादा भी नहीं भगाएंगे, क्योंकि भाई यहाँ पे एक तो क्या है होटल नहीं बने हुए हैं और एक रेस्ट एरिया बने हुए हैं, लेकिन उनका बीच का जो स्पेस है ना वो बहुत ज़्यादा है भाई, 250-300 किलोमीटर ऐसे बीच का स्पेस है भाई उनका, तो क्या है रुकने का मन ही नहीं होता है भाई कि चलो रेस्ट एरिया पे जाके रुकेंगे, क्योंकि रोड पे गाड़ी खड़ा करना भाई खतरे से खाली नहीं है। इस रोड पे गाड़ियाँ स्पीड में चलती है भाई, अगर कोई भी गलती से मान लो अभी ये जो गाड़ी खड़ी है तो क्या पता भाई इन चारों लाइनों में गाड़ी आ जाए, और कोई भी गलती से मान लो कोई कार वाला या फिर कोई ट्रक वाला सोचे कि उस साइड से ओवरटेक कर लेता हूँ, तो भाई एकदम सामने गाड़ी नज़र आएगा तो फिर आपको पता ही है भाई क्या होने वाला है, तो इसलिए हम गाड़ी रोड पे तो खड़ा करते ही नहीं है भाई। और ये भाई ये भी चालू कर दिए हैं देखो स्पीड वाले, और कैमरे भी चालू कर दिए हैं भाई, यहाँ पे स्पीड नज़र आएगी, अगर आपकी ओवर स्पीड है भाई तो आपका तुरंत ही चलान कर दिया जाएगा। और भाई अपनी लाइन दो ही है, जो हम चल रहे हैं ये है और लेफ्ट साइड वाली बड़ी गाड़ियों की है, ये कारों की लाइन है भाई, और जो डिवाइडर के पास में लाइन है वो ओवरटेक करने के लिए है भाई। इस पे अमृतसर जामनगर वाला एक्सप्रेस वे है ना, वो हिसाब नहीं है भाई कि ट्रक ये दो लाइन में चलेंगे कार एक लाइन में चलेगी, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे क्या है कार की भी अलग लाइन है, ट्रकों की अलग है, और ओवरटेक करने के लिए भी अलग लाइन है भाई। अगर हमें मान लो ओवरटेक करना है, तीनों लाइनों में गाड़ियाँ हैं, तो ट्रक भी डिवाइडर के पास जाके ओवरटेक कर सकता है भाई गाड़ी को। बातें करते हैं ऐसे तो भाई, बातें करते रहेंगे तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो मिलते हैं आपको सीधा रेस्ट एरिया पे पहुँचने के बाद भाई। अगर और कुछ दिखाने वाली चीज़ें हुई या कुछ बताने लायक बातें हुई भाई तो वो हम आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। हर चीज़ का बोर्ड लगाया हुआ है भाई, मान लो ये देखो ट्रकों की 80 की स्पीड, बस की 100 की, कार की 120, और लाइनिंग भी बताई गई है भाई कि लेफ्ट साइड वाली लाइन है वो बड़े व्हीकल की है, ये बस और ट्रक की है, ये कारों की है, और जो डिवाइडर के पास में है वो वाली लाइन भाई ये देखो भाई, अभी पीछे 1 किलोमीटर का आया था बोर्ड रेस्ट एरिया का, यहाँ पे 500 मीटर का है, और आगे इससे आगे भी बोर्ड लगा हुआ है भाई ट्रक ले भाई, और उससे भी आगे थोड़ा छोटा बोर्ड और लगा रखा है भाई। तो ड्राइवर को भाई इतनी ज़्यादा समस्या नहीं होने वाली है अगर बोर्डों पे नज़र रखेगा तो भाई, ये यहाँ पे आ गया ट्रक ले भाई, और यहाँ पे फिर एक छोटा सा बोर्ड और लगा दिया भाई बिल्कुल जहाँ पे पार्किंग है ना वहाँ पे, ये देखो भाई यहाँ पे किलोमीटर वगैरह कुछ नहीं लिखा गया है, टॉयलेट बने हुए हैं और वॉशरूम बने हुए हैं, सब कुछ बने हुए हैं भाई। ये लेफ्ट साइड में अगर आप देखोगे, ये देखो भाई ये किस लिए आ रहा है, ये किस लिए बज रहा था भाई आपको पता है, हमारे हाथ में मोबाइल था भाई, और कैमरे से तो नहीं बजता है भाई, क्योंकि कई बार ट्राई किया है हमने, कैमरा हाथ में रखते हैं ना तब इतनी आवाज़ नहीं आती है इसकी, और जब मोबाइल हाथ में होता है ना तब ये सायरन जैसी आवाज़ आती है भाई। ये लेफ्ट साइड में बना हुआ है भाई रेस्ट एरिया, काफ़ी बड़ी पार्किंग है, पेट्रोल पम्प भी चालू है भाई, लेकिन यहाँ पर अभी तक होटल एक ही है भाई, और ये हर चीज़ महंगी लगाता है, और इतना कोई ज़्यादा टेस्ट नहीं है भाई। अगर चाय है ना, अगर आप चाय पियोगे ना भाई तो चाय पता नहीं भाई सुबह बना के रख देता है, एक बड़ा वो रखा हुआ है भाई थर्मोस, उसके अंदर सुबह ही बना के डाल देता है भाई, उसमें से डाल डाल के देते रहते हैं। अबे भाई कुछ तो शर्म करो, ये भाई मतलब जो वैसे होटल है ना भाई मेन रोडों पे, उससे और इन रेस्ट एरियों का रात दिन का फर्क है भाई, क्योंकि भाई ये इतना चाय वगैरह तो हमने पी है भाई, खाना तो नहीं खाया है, चाय पी हमने रेस्ट एरियों पे,
इस पे भाई दिल्ली बॉम्बे वाले पे, और वो भी भाई भरूच तक, भरूच सॉरी भरूच से लेके और अहमदाबाद तक। तो ये जो भरूच से चलने के बाद जो पहला रेस्ट एरिया आता है ना भाई, उस पे एक ढाबा है, ये तो भाई चाय और नाश्ता तो बिल्कुल ही अच्छा नहीं देता है। हाँ पैसा लो भाई, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन चीज़ तो अच्छी दो भाई। आप 10 रुपये 5 रुपये चार्ज भी ज़्यादा कर रहे हैं हर चीज़ पे, लेकिन भाई चीज़ तो अच्छी दो। आप 5 रुपये चार्ज ले रहे हो, वहाँ पे 10 रुपये ले लो ज़्यादा, चीज़ तो अच्छी दो भाई कम से कम। यहाँ पे भाई शायद अभी बारिश हो रहा था, अभी बंद हुआ है शायद तुरंत ही। देखो रोड अभी तक सूखा नहीं है भाई, पूरा रोड गीला है। और यहाँ पे तो नहीं लगा हुआ है भाई इस कैमरे पे, तो ये जहाँ पे कैमरे लगे हुए हैं ना भाई, इनके ऊपर एक सायरन टाइप का लगाया हुआ है। अगर आपके हाथ में मोबाइल होगा तो वो सायरन आवाज़ करेगा, जैसे एम्बुलेंस करती है ना वैसी आवाज़ करेगा भाई। और अगर आपके लेफ्ट साइड में कोई गाड़ी नहीं है, आप डिवाइडर के पास चल रहे हो, तब भी भाई वो सायरन आपको मतलब संकेत करेगा कि भैया आप गलत चल रहे हो, अपनी लाइन पकड़ो। ये हम गाड़ी चलाते समय गलतियां करते हैं ना भाई, तभी बजता है ये। वैसे नहीं मतलब 24 घंटे नहीं बजता रहता है ये, पता नहीं भाई सेंसर वगैरह लगे हुए हैं क्या लगा हुआ है। अभी एक छोटा रेस्ट एरिया आएगा भाई, वहाँ पे वॉशरूम बने हुए हैं, अल्टीम होटल बने हुए हैं भाई, वहाँ पे शॉपिंग वगैरह आपको सब कुछ मिलेगा भाई। इतना बड़ा नहीं है भाई, वो छोटा ही है। जैसे मान लो वैसे तो इस एक्सप्रेसवे में ना आप कहीं भी गाड़ी खड़ी कर सकते हो भाई, कोई भी रेस्ट एरिया पे आपको कोई होटल वाला या मान लो किसी की दुकान है तो वो आपको ऐसे नहीं बोल सकता कि भैया आप गाड़ी नहीं खड़ा कर सकते यहाँ पे, हटाओ यहाँ से। जहाँ पे कारों की भी पार्किंग है ना भाई, वहाँ पे भी आप गाड़ी लगा सकते हो, आपको कोई मना नहीं करने वाला है भाई। और वहाँ पे अगर कोई मना करता है तो भाई इनके रोड वालों के टोल फ्री नंबर है, टोल फ्री नंबर पे कॉल करके आप कंप्लेंट कर सकते हो भाई, और तुरंत कार्रवाई होगी। ऐसा नहीं है कि भैया आप चले जाओ हम देख लेंगे इनको, ऐसा नहीं है। आपको बोलेंगे कि भैया 15 मिनट 10 मिनट रुको, आप हम आपके पास ही आ रहे हैं, तभी बात का पता चलेगा कि हुआ क्या है। क्योंकि भाई अगर बंदा आमने सामने हो ना तब पता चलता है बात का कि हाँ हुआ क्या है। और एक बात हो रहा भाई, जितने भी ये रेस्ट एरिया हैं और जितने भी होटल है, मेडिकल है या फिर कोई शॉप है, तो वहाँ पे कैमरे लगाए हुए हैं, उनमें आवाज़ भी आती है भाई, वॉइस भी आती है। तो ये जो मान लो ऐसी कोई कंप्लेंट होती है ना, तो ये ज़्यादातर तो रोड वाले सुनते नहीं है भाई, दोनों तरफ वालों की भी नहीं सुनते हैं, ये सिर्फ कैमरे की वीडियो देखते हैं कि हाँ किसका गलती था। तो भाई उससे ही पता चलता है एक्चुअली हुआ क्या था, किसने क्या बोला था और किसने क्या नहीं बोला था। ये बहुत अच्छी बात लगी भाई मेरे को। यहाँ पे हमने एक चीज़ और देखी है भाई, यहाँ पे आप सामने देखोगे बोर्ड है, तो उनके ऊपर देखना भाई एग्जिट नंबर GJ08, एग्जिट नंबर GJ07। और ये भाई वडोदरा का शायद GJ07 नंबर है भाई, एग्जिट इसी हिसाब से बनाए गए हैं भाई, जैसे हमारे हिसार के है 439 नंबर है। तो अगर हिसार का एग्जिट होगा ना भाई इस पे, तो उस पे लिखा होगा कि HR 39, एग्जिट HR 39। इस पे ऐसा नहीं लिखा हुआ है भाई कि एग्जिट नंबर 1 एग्जिट नंबर 2, ऐसे नहीं लिखा हुआ है। और इस गाड़ी के साथ भाई कुछ हादसा हुआ है और रोड वाले आए हुए हैं भाई। इस रोड पे कैमरा बंद करने का मन ही नहीं हो रहा है भाई, ऐसा दिल कर रहा है कि पूरा रोड का रिव्यू कर दूं, एक एक चीज़ दिखाऊं आपको, लेकिन भाई वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा फिर, क्योंकि भाई रोड ही ऐसा बनाया हुआ है।
गाड़ी चला के दिल खुश हो जाता है भाई। और एक सफ़र, इतना ज़्यादा सफ़र निकलता है भाई घंटे में, एक घंटे में भाई। अगर वैसे नॉर्मल रोड पे होते हैं ना तो 40-50 किलोमीटर निकल पाता है घंटे में भाई। और अभी जो फिलहाल पुराने वाले रोड है वो बारिश के कारण पूरे टूट गए हैं भाई, तो 30-35 किलोमीटर ही सफ़र है निकलता है भाई एक घंटे में। और इस रोड पे भाई एक घंटे में 80-85 किलोमीटर निकाल रही है गाड़ी। रस्से ढीले हो गए भाई पूरे के पूरे, दोबारा से खींचने पड़ेंगे। और हमने भाई कॉफ़ी पी लिया और साथ में भी पानी का बोतल भी उठा लिया भाई, गाड़ी में पानी नहीं था। ये ज़्यादा बड़ा रेस्ट एरिया नहीं है भाई, छोटा ही है ये देखो, लेकिन चीज़ें बहुत प्यारी प्यारी है भाई यहाँ पे। ये पार्किंग बनी हुई भाई, यहाँ पे ट्रक लगा सकते हैं हम पार्किंग में, लेकिन गाड़ी पार्किंग में लगाना फिर बैग निकालना तो काफ़ी मुश्किल होती है भाई, इसलिए क्या है रोड पे ही खड़ी कर देते हैं। यहाँ पे वैसे कोई दिक्कत नहीं है भाई क्योंकि साइड में खड़ा है गाड़ी। और ये है भाई टिम होटल, कॉफ़ी हमने पी ली है भाई, अभी निकलते हैं क्योंकि भाई अपने को यहाँ पे आधा घंटा हो गया खड़े हुए। ये भाई अमेरिका, कनाडा, दुबई वाले ड्राइवर दिखाते हैं कि हम टिम होटल पे हैं, हम यहाँ पे, हम वहाँ पे हैं, तो भाई इंडिया कम नहीं है किसी से। ये बना हुआ है भाई टिम होटल, और यहाँ पे ट्रकों को भी रुकना मना नहीं है भाई। आप चाहे तो 1 घंटे 2 घंटे 5 घंटे जब तक आपका मन हो आप खड़े रह सकते हैं यहाँ पे, कोई रोकने वाला नहीं है आपको। पहले हम यहाँ पे अकेले खड़े हुए थे भाई, अभी 3 गाड़ी इधर आ गया पीछे और 3 गाड़ियाँ इधर लग गया। लेकिन ये जो कंटेनर वाले भैया ने गाड़ी लगाई है ना, ये बहुत ही गलत लगाई है। यहाँ पे आके ड्राइवरों की रिस्पेक्ट कम होती है। इस साइड गाड़ी खड़ी हुई है, इस साइड गाड़ी लगाया है ताकि बीच में से निकलने वाले को परेशानी हो। यहाँ पे आके ड्राइवरों की रिस्पेक्ट कम हो जाती है भाई। होते हैं कुछ एक ऐसे लोग। और ये बना हुआ है भाई टिम होटल, बहुत ही प्यारा सा। हमने भाई ये कॉफ़ी पी लिया था और फिर दोबारा मन हुआ भाई तो ये कॉफ़ी हम उठा लाए हैं भाई, लेकिन अपने पास कॉफ़ी वाले कप ख़त्म हो गए भाई, इसलिए हमने स्टील वाले गिलास में डाल दिया कॉफ़ी भाई, कि कोई बात नहीं भैया इसमें दे दो पी लेंगे हम। कितना प्यारा टिम होटल बना हुआ है भाई, आ रही है ना भाई कनाडा वाली फीलिंग। आप ही बता दो भाई इसको गाली देना बनता है कि नहीं बनता है। देखो इस साइड लगा के गया, ये गाड़ी पहले से खड़ी हुई थी भाई और इसके पीछे ये गाड़ी लगा, इस गाड़ी के आगे जगह है लेकिन इस साइड लगा के गया है सामने की साइड। और ये है भाई आनंद कंपनी का कंटेनर है PB10FF8811। ये मतलब चूतिया पंथी छोड़ दो भैया, क्यों करते हो आप ऐसे काम है। अभी भाई उस गाड़ी का देखो बिल्कुल शीशे में टच होके आ रही है, ये अनपढ़ लोग कब सुधरेंगे भैया, समझ में ही नहीं आ रहा है मेरे को तो।